दीदी, सब लोग आपसे नाराज हैं। आपको जिद नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं बात करनी कार्तिक जी से। आप आंटी की बात क्यों नहीं मान रही? लक्ष्मी तो नहीं समझेगी। मम्मी की बातों में मत आ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेरे रिश्ते में कोई भी टाका उल्टा लगे। एक बार आगे बढ़ने के बाद सब कुछ उधेड़ा नहीं जा सकता। फिर कुछ ठीक नहीं होता, जीना पड़ता है बिगड़े हुए बंधन के साथ ही। क्या कह रहे हैं आप दीदी? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम दोनों का एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिक अच्छा इंसान नहीं है या मुझे उस पर शक है, लेकिन हाँ, तुम दोनों की एक दूसरे से बात हुए बिना हम रिश्ता पक्का नहीं करेंगे। दी, लेकिन कुसुम आंटी, गायत्री आंटी दोनों ही आपसे नाराज होकर गई हैं। माफी मांग लूंगी उनसे, हम आप समझेंगी। कार्तिक आ जाता तो ये सब होता ही नहीं। एक बार वो हामी भर देता मेरे सामने तो मुझे तसल्ली हो जाती। ए मंगल, गायत्री जी ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के आ जाती अगर उसका लड़का तैयार ना होता। ठीक है मम्मी, रस्म तो कल भी हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन अगर मन में संदेह है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जानबूझकर अपनी बहन को कुएं में धक्का नहीं दूंगी मैं। तो खुद कुएं में कूदने को तैयार है? अरे क्यों सबके सामने अपनी दुर्गति करवा रही है तू? मैं बात करती हूँ जाकर। कैसे बात करेगी? उन्होंने तो कह दिया इस घर में मत आइयो। वो घर मेरा भी है मम्मी। अगर उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जा नहीं सकती। मैं गलतफहमी हुई है, मैं अभी जाकर बात कर लूंगी तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरा अभी जाकर बात करना बहुत जरूरी है। हाँ जा और जाकर देख, सारे के सारे तेरे ऊपर खार खाए बैठे हैं।